मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दीपक बाबरिया की कोशिशों के बावजूद बयानबाजी थमी नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों का हमला एक तरफ से जारी रहा तो दूसरी तरफ से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के मंत्री और विधायक लगे रहे। ऐसे में जुगाड़ के बहुमत से चल रही सरकार के सामने उसके गिरने का खतरा पैदा हो गया। थककर कमलनाथ दिल्ली दरबार पहुंचे और सरकार के कामकाज में दिग्विजय सिंह की टांग फंसाई पर अपनी सफाई पेशी की और साथ ही अपना दुखड़ा भी सुनाया। सोनिया गांधी ने मामले को एके एंटनी की अगुवाई वाली अनुशासन समिति के हवाले कर दिया और कहा कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोई नेता बयानबाजी न करे। सिंधिया के समर्थक उमंग सिद्धार की बयानबाजी भी सोनिया गांधी को पसंद नहीं आई और न ही दिग्विजय सिंह का सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप पसंद आया। इसीलिए दोनों पक्षों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया। अब कांग्रेस बीच का रास्ता तलाशने में जुटी हुई है कि सिंधिया भी मान जाए और कमलनाथ भी और सरकार आराम से चलती रहे। कांग्रेस को पता है कि अगर सरकार गिरी तो फिर कांग्रेस को मध्य प्रदेश में लंबा इंतजार करना होगा। इसीलिए सारी कोशिश सिर्फ और सिर्फ सरकार बचाने की है, लेकिन आपसी झगड़ा इतना आगे बढ़ गया है कि कोई पक्ष अपने कदम पीछे खींचने को तैयार ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।